अस्सलाम वालेकुम संगियो, के हाल चाल ने ठीक ठाक हो। आज मैं जनाब अली फैसल एलचे आया 107 में आपस से। ये बहुत ही यूनिक किस्म ने ना एक प्रोजेक्ट लाया है। मैंने बैकग्राउंड से तुसा एक बिल्डिंग बननी नजर की आनी होती ते उबैदुर्रहमान भट्ट साडे संगी नो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है। आज उन्हें इसकी थोड़ी जी डिटेल पूछने हैं कि एक के प्रोजेक्ट है और के इसकी शुरू हाल है हूं तक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, एक के प्रोजेक्ट तुसा शुरू किया है, थोड़ी डिटेल दसो। ये असा जरा जी वो फैसल एल मेन सिविक सेंटर च बनाने पे प्रोजेक्ट 107 ने नाए तो। अच्छा, ये जरा वे वो असि जरा वे कारपोरेट टीम टावर बना रहे हैं। ठीक है जी, मुकम्मल एक कमर्शियल होस जिस चीज जरा वे वो त्रै फ्लोर असन ने दुकाना ने ते उस तो ते जरा बाकी चार फ्लोर ने सारे दफ्तर ने। लोग रब्ता करना चाहो और इसना एग्जैक्ट कुछ पता को पूछना चाहे आना चाहे विजिट करना चाहे ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਇਹਨਾਂ ਮੇਨ ਬੁਰੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲ ਇਤਿਹਾਦ ਸੈਕਟਰ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੇਨ ਬੁਰੀ ਵਾਰਡ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਬਲੌਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜੁਬਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇਸਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਬਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 107 ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੁਬਲੀ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾਰ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਾ ਉਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ। अच्छा, इस पे दुकाना ही होंगी या कुछ दफातर वगैरह भी होंगे या क्या मामला है? जिस तरह मैं पहले मास्टर साहब बताया वे कि ये एक मुकम्मल कारपेट टीम टावर है। ठीक है जी, इससे त्रै फ्लोर जो है वो दुकाना नहीं है, उस तो जो 2 फ्लोर हैं उससे एग्जैक्टिव तो एलीट ऑफिस है 100%। तो उस तो जरा चौथा जो 5वां फ्लोर है उसने अंदर असा एक नवा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है स्मार्ट ऑफिस। अच्छा, ठीक है जी, वो मतलब 150 तो लैके 200-250-300 स्क्वायर फीट में जरा वे वो स्मार्ट ऑफिस है। अच्छा गल सुन, इन कुछ खाली जगह इतों साइडा की नज़र आनी है, एक ही चीज़ है कि सस्ते में ये जड़ा ना जी मास्टर साहब इस तरह की खाली जगह नज़र भी आनी है। ये खाली जगह बेसिकली असा मिड राइज बिल्डिंग आ, क्योंकि साड़ी ग्राउंड प्लस 5 बिल्डिंग है। इस मिड राइज बिल्डिंग से फस्ट टाइम असं ये कॉन्सैप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो कि तुम देखा उसी वे शॉपिंग माला शाला च होना, जिस तरह तुम सेंटोरस चलो तो तुम नज़र आना उसी उस तरह। मास्टर जी असं इसे एट्रियम दे रहे हैं। ठीक है जी, ये जरा वे त्रै फ्लोर बिल्कुल इस तरह ओपन हो सन, मतलब जरा वे उसने ग्राउंड 1 फ्लोर के मिलसो या ग्राउंड फ्लोर के आसो या मेज़बान फ्लोर के आसो, जो त्रै फ्लोर दुकाना ने ये त्रै फ्लोर सेंटर जो जरा वे बिल्कुल ओपन हो सन, तुसा एक मिड राइज बिल्डिंग ने अंदर जरा वे एक मॉल नहीं फील आ। अच्छा, इसने बिल्कुल टॉप उत्ते जी जी उत्ते सिरे उत्ते के बन सी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਰੂਫ ਟਾਪ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਣਨੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਫ ਟਾਪ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਪੇ ਸ਼ਿਫਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ? ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਦਰ 2 ਲਿਫਟਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਫਟ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਐਲੀਵੇਟਰ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਫਟ ਹੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਲਿਫਟ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊ ਸਿਟੀ ਆਰਕੇਡ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟੋਰਸ ਨਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਲਿਫਟ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੀ ਐਂਟਰੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤਲੋਂ ਅਰਲੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਤੱਕ ਜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣੇ 'ਚ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਕਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਤਾਂ ਜੀ ਜਬਰਦਸਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।
और बिजनेस के बेहतरीन मौके इतने तुसा मिल सुन। कोई भी बंदा को रबता करना चाहे तो इन्होंने नंबर स्क्रीन उत्ते तुसा नजर पाना उसी और बेहतरीन किस्म की जाइया इस साइट को भी लेकिन तकरीबन 3 गुना वड्डा है। ते जिहड़ा तुसां सवाल कीता है ये जिहड़ा है वो इसने सिविक सेंटर के अंदर एक पार्क है, ठीक है जी, और इसे मतलब फैमिलियां वास्ते भी ये सहूलत एक सिविक सेंटर के अंदर मौजूद है पार्क। माशाल्लाह असा टेक्सटाइल है तो सब तू नेड़े ही है पाना उस। बिल्कुल बिल्कुल, ये आने वाला जिहड़ा ना जी तुसां ना जिहड़ा टाइम में क्यों असा ने टेक्सटाइल शहर च सब तू बड़ा प्रॉब्लम है पार्किंग ना, ते तुसां ने थोड़े टाइम जे मतलब 1.5 साल ने अंदर अंदर टेक्सटाइल ना जिहड़ा बिजनेस है वो ज्यादातर इथे फैसले ले अंदर शिफ्ट होवे सी, क्योंकि इथे बहुत एक सेविक सेंटर अंदर वसी पार्किंग मौजूद है। नाले वो फाटक वाले पास राष्ट्रीय पंगो नहीं बात से वर्णन नहीं इजाजत भी कई बार होनी कई बार नहीं कुछ ज्यादा बेहतर रह सके। बिल्कुल ठीक है, उसने असल सेविक सेंटर ने एक और भी दूसरा फातियत दसा कि ये जरा वे सोसाइटी ना वाइज सेविक सेंटर है, बाकी मतलब कमर्शियल सोसाइटी और भी आए मरकज और भी आए लेकिन वो छोटे ने, ये बड़ा सेविक सेंटर एक ही है जिससे दसा कि मेन बुलीवार्ड का सिस्टम मौजूद है। ये तुसा ने जो अगर बी और सी ने 16,000 प्लाट ने उन्होंने वाइज एक्सेस ई मेन बुलीवार्ड ही तो उस लिहाज में साढ़े सिविक सेंटर ने भी और साड़ी 107 की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन्हें लोगों भी सफर करना है जिन्हें मतलब मोटरवे पर भी जाना है वो भी यही रोड इस्तेमाल कर सकते जो मल्टी ना फैसल ना प्रपोज इंटरचेंज है उस जाके यही रोड कनेक्ट हो सके। यार जी दफ्तर तो बड़ा जबरदस्त पढ़ाया ने, बड़ा शानदार पढ़ाया है, तुसा जरा कुछ इस तरह थोड़ा एक दास छोड़ो जी। जी जरूर मास्टर साहब, ये असा ने 107 ना साइट ऑफिस जी जिस तरह के तुसा नजर आ रहे कि ये मुकम्मल फंक्शनल है इस टाइम ऑफिस से जरा भी वो बेसिकली बनाया कंटेनर से असा एक ऑफिस बनाया वे जिससे ये 2 कंटेनर ने कले का जरा कंटेनर है इससे साढ़ा जरा वे वो सेल्स टीम मौजूद है, ठीक है जी, उस नाल एक एग्जैक्टिव रूम है और जरा वे वो एक अकाउंटेंट ऑफिस बने कले के कंटेनर से जरा सा उत्ते कंटेनर तुम नज़र पे आना उसी इससे जरा वे वो असा ने मीटिंग रूम है जिते असा ने कोई क्लाइंट्स ने डाउन होना असी कोई प्रेजेंटेशन देने जो साड़ी अपनी कोई पर्सनल मीटिंग हो गए वो डायरेक्टर्स ने उत्ते मीटिंग होनी है नाल उस साड़ी कैजुअल सिटिंग बनी है जरा दफ्तर ने गल की दफ्तर एक बढ़ाने ना एक मतलब लोगों दसने कि असा जनाब अली दफ्तर अगर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाया ये लोगों एक समझने आसानी हो सी कि 107 जो सा प्रोजेक्ट है एक उसकी झलक असा कोशिश की दिखाने और नाल ही एक रोमांटिक किस्म ना इतने मौसम भी बन रहे सामने पहाड़ियाँ भी दूसरे दफ्तर में नजर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल साढ़े जो 107 प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल जनाब अली इसने तुसा एल व्यू इसने बिल्कुल सामने वे इसी वजह तो तुम दस सा 107 है ये मुकम्मल ग्लास एलिवेशन है इसलिए फ्रंट बैक क्योंकि जो दुकाना जो भी और जितने ऑफिस उन्होंने सारे तो एल व्यू इंजॉय कर सकते। अच्छा गल सुनो एक कंडी पिछे के मामला तो ने जरा तुसा पढ़ाया है किस हस्ते जरा लोगों का पता लगे। ए बिल्कुल मास्टर जी ये साड़ी जरा वे असा एक फोटो वॉल बनाई है, ठीक है जी, साढ़े इसके प्रोजेक्ट ने बारे जो नजर पाना से साढ़ा ये 107 इसते लिखे है और नाल साड़ी जी कंपनी है 1 डिवेलपमेंट उस बारे से भी ये असा बनाई है बेसिकली फोटो वॉल ये जरा बंदा भी असा को लाना है जिस तरह तुम असा को लाए हो असी जनाब वाली उस एक तस्वीर बनाने एक यादगार के तौर पर और फिर असी जरा वे वो शेयर करने हैं ताकि लोगों में मतलब असा ने 107 के बारे से साढ़े इस प्रोजेक्ट के बारे से लोगों को पता चले। ठीक हो गया जी, तो बड़ा जबरदस्त काम जी फिर हो चलो मणि जी तुम जरूर मास्टर जी क्यों नहीं। संगियो आज ना प्रोग्राम मना ख्याल वाइंड अप करा तुसा मुकम्मल डिटेल ना दस छोड़ी मजीद अगर डिटेल तुसा लोड होए ते नंबर ना स्क्रीन ना चलना पैना उसी ओ बाद रहमान और बड़ी मेहरबानी है मैं ना को आए आया ते फिर किसी और प्रोग्राम च इंशाल्लाह तुसा को आसा अल्लाह सोने ने वाले 107।